हाई गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल दीडी डॉटल एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिविजन प्लान फॉर इन डिरेक्ट टैक्सेशन दर पेपर नंबर इलेवन ठीक है सो डे वन में हम लोग कौन से चैप्टर से स्टार्ट करेंगे देखो आज तक हम लोग जितने भी चैप्टर्स जितने भी सब्जेक्ट का रिविजन प्लान मैंने आपको बताया है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन को फर्स्ट नहीं करते थे लेकिन जी एस टी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना ही होगा ठीक है सो वी विल स्ट विथ द चैप्टर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है आई थिंक ट्वेल्व और थर्टीन पेजेस का है लेवियर कलेक्शन ऑफ जीएसटी जो की है आपका स्टडी नोट नंबर टू उसमें हम लोग टू पॉइंट वन एंड टू पॉइंट टू वाला जो टॉपिक्स है वो कम्पलीट करेंगे इट विल अगेन टेक यू वन पॉइंट फाइव आवर्स सो so, डे में आपको देना है टोटल थ्री आवर्स कमिंग टू द नेक्स्ट डे दैट इज डे टू स्टडी नोट नंबर टू आपको कर, आपको स्टार्ट uh, करना है और 2.2 हमने थोड़ा डे uh, वन में कंप्लीट किया था और आज हम लोग अगेन 2.2 से लेके 2.5 तक पढ़ेंगे लेवियन कलेक्शन ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में इट विल टेक यू टू और 2.5 पॉइंट आवर्स फिर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे और स्टडी नोट नंबर टू का 2.7 और 2.8 पढ़ेंगे इट विल टेक यू 1 और 1.5 आवर्स दोनों मिलाकर 3.5 आवर्स टोटल अभी आप पूछोगे 2.5 हमने पढ़ा 2.7 हमने पढ़ा 2.6 कहाँ गया 2.6 है आपका एग्जेंप्शन वाला चैप्टर जो कि इटसेल्फ बहुत लेंग्थी है और लेंग्थी होने के साथ-साथ बहुत उसमें आपको याद रखना है ठीक है तो वो मैंने अगले दिन रखा है तो अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे सिर्फ एग्जेंप्शंस पढ़ेंगे दैट इज टू पॉइंट सिक्स बहुत ज्यादा लेंथी है ये सो so, uh, पढ़ेंगे टू आवर्स लगेगा आपको पढ़ने में और हम लोगों ने जो भी स्टडी नोट नंबर टू में अभी तक पढ़ा है टू पॉइंट एट में वो सब कुछ हम लोग रिवाइज करेंगे सो टोटल अगेन थ्री पॉइंट फाइव आर्स कमिंग टू द नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडी नोट नंबर थ्री दैट इज योर टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई आप कहा से पढ़ सकते हो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है सो इट विल है और conceptual भी है और याद रखने की भी जरूरत है आप लोगों को सो इट विल टेक यू टू पॉइंट फाइव आवर्स ये आप लोग सी ए जसमीत सिंह सर हैं उनके YouTube चैनल से आप लोग रिविजन क्लासेस कर सकते हो प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ये उन्होंने बिल्कुल ही हमारे सी एम ए के मैथ से पढ़ाया है ठीक है और टाइम ऑफ सप्लाई भी उनका बहुत अच्छा है मैंने खुद उनके क्लास से ही रिवाइज किया है सो आप लोग तो भी कर सकते हैं कमिंग टू डे नंबर फाइव डे नंबर फाइव में हम पढ़ेंगे क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई भी एक बड़ा चैप्टर है तो uh, मैंने इसके लिए टू आवर्स रखा है और उसके साथ साथ चेंज इन रेट चेंज इन रेट भी एक छोटा uh, सा आई थिंक uh, चार पांच पेज का एक टॉपिक है ये भी मैंने इसी दिन रखा है इट विल टेक यू मैक्सिमम आवर सो दोनों मिलाकर आपको लग जाएगा टोटल थ्री आवर्स ठीक है डे में थ्री आवर्स डे फाइव में थ्री आवर्स कमिंग टू द नेक्स्ट डे इस दिन हम लोग पढ़ेंगे डे सिक्स में रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर उसमें आपको समझना है बहुत कुछ उससे रिलेटेड कुछ कुछ इलेस्ट्रेशन भी करने हैं सो so, uh, चैप्टर पूरा मैंने एक ही दिन रखा है ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसीलिए ये चैप्टर के साथ मैंने और कुछ नहीं रखा है सो so, uh, ये चैप्टर आपका लग जाएगा टोटल थ्री पॉइंट फाइव आर्स डे सिक्स आपका पैक हो गया अब देखते हैं डे दे नंबर सेवन डे नंबर सेवन में आपको क्या करना है आपको पूरा रिविजन करना है स्टडी नोट नंबर थ्री स्टडी नोट नंबर थ्री क्या है टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ये तीनों चीजों का आपको रिवाइज करना है इसका रिविजन लग जाएगा पूरा साढ़े तीन घंटा ठीक है डे एट में हम लोग एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज आईटीसी आई टी सी क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है और बार बार इसको हमें रिविजन करने की जरूरत है और इससे आपको हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आएगा ये एक श्योर श्योर चैप्टर है जैसे रजिस्ट्रेशन से आपको क्वेश्चन आएगा श्योर है वैल्यू ऑफ सप्लाई से आएगा टाइम एंड प्लेस में प्लेस ऑफ सप्लाई से भी आएगा वैसे आई से भी आएगा और बड़ा चैप्टर है तो याद रखने की बहुत सारी चीजें हैं सो डे एट में हम लोग इसको दो घंटे पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम लोग जीएसटी का जो रिटर्न वाला चैप्टर है वो भी स्टार्ट करेंगे इट विल टेक यू 1.5 पॉइंट आवर्स मतलब डे एट में सिर्फ ये दो घंटा ये डेढ़ घंटा टोटल साढ़े तीन घंटा कमिंग टू द नेक्स्ट डे दैट इज डे नंबर नाइन इसमें भी हम लोग आई टी सी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आई टी सी जितना बड़ा चैप्टर है एक दिन में खत्म नहीं होगा सो so अगेन दो घंटा यहाँ पर और रिटर्न भी आपका डे uh, नाइन में जो भी बच गया होगा वो सब पढ़ेंगे और कल का भी रिवाइज करेंगे सो इट विल टेक यू अगेन फोर आवर्स इन द डे नाइन कमिंग टू डे टेन डे टेन में आपको क्या करना है आईटीसी को रिवाइज करना है एकदम अच्छे से साढ़े दो घंटा लग जाएगा इसमें और ई वे वे बिल्स बिल्स ई आपका लास्ट चैप्टर है जीएसटी का ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है इससे आपको मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू आ सकते हैं ई e वे बिल्स चैप्टर से तो ये भी आपको पढ़ना है इट विल टेक यू वन आवर मैक्सिमम डे इलेवन में हमें क्या पढ़ना है टी डी एस एंड टीसीएस है जी बिल्कुल जीएसटी में भी टीडीएस एंड टीसीएस है तो ये जो चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है एक घंटे में खत्म हो जाएगा और डे इलेवन में ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे कस्टम कस्टम का स्टडी नोट नंबर वन ठीक है स्टडी नोट नंबर वन स्टार्ट कर लेंगे इट विल टेक यू टू पॉइंट फाइव आर्स फिर हम लोग डे ट्वेल्व में क्या पढ़ेंगे स्टडी नोट नंबर सिक्स पढ़ेंगे स्टडी नोट नंबर सिक्स पढ़ेंगे और ये आपका लग जाएगा कितना वन पॉइंट फाइव आवर्स और कस्टम का जो स्टडी नोट नंबर टू है वो पढ़ेंगे इट विल टेक यू वन आर और कस्टम का जो स्टडी नोट नंबर वन है हम लोगों ने उसके पहले वाले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे इट विल टेक यू अगेन ठीक है डे थर्टीन में हम लोग पढ़ेंगे स्टडी नोट नंबर सेवन यह है जीएसटी का और इट विल टेक यू अराउंड वन आर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसलिए मैंने इसको कस्टम के साथ क्लब किया हुआ है इट विल टेक यू वन आर और उसके बाद आपको पढ़ना है कस्टम का वैल्यूएशन वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और बेसिकली कस्टम में देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स यहीं पर है सो ये इट विल टेक यू टू पॉइंट फाइव आवर्स अच्छे से पढ़ना है सो अगेन डे थर्टीन में भी आपको लग जाएगा साढ़े तीन घंटा नेक्स्ट देखते हैं डे फोर्टीन में स्टडी नोट नंबर एट पढ़ना है आपको ये भी छोटा सा चैप्टर है वन पॉइंट फाइव आवर्स लगेगा फिर आपको कस्टम पढ़ना है कस्टम में जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट वाला चैप्टर है वो आपको आज पढ़ना है डेढ़ घंटा ये एक बड़ा चैप्टर है सो तो ये डे 14 में आपको पढ़ना है डेढ़ घंटों तक फिर आपको देखना है डे दे 15 में आपको अगेन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट पढ़ना है फॉर कंटिन्यूसली थ्री आवर्स साढ़े चार घंटा टोटल थ्री प्लस वन पॉइंट फाइव टोटल फोर एंड फाइव आवर्स में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा डे सिक्सटीन में देखते हैं एक कस्टम का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज कस्टम रूल्स उसमें ज्यादा कुछ नहीं है बट शायद एमसीक्यूज आ सकते हैं तो एक बार बस रीडिंग कर लेना ये वाला चैप्टर एक घंटे में हो जाएगा फिर कस्टम जो भी आपने पढ़ा है ना उसको एकदम अच्छे से आपको क्या करना है रिविजन करना है सो इट विल टेक यू अगेन टू पॉइंट फाइव आवर्स डे सिक्सटीन में भी हो गया आपका साढ़े तीन घंटा डे सेवेंटीन में आपको पढ़ना है आपको रिवाइज करना है जीएसटी डे और डे एटीन मैंने दोनों ही दिन आपको जीएसटी रिविजन करने के लिए रखा है सो so ये आपका चार घंटा चार घंटा टोटल आठ घंटा में आपका हो जाएगा जीएसटी रिविजन आठ घंटे में आपका एटी मार्क्स रिविजन करना है ठीक है सो so टोटल ये कितना है यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट अ टोटल ऑफ सिक्सटी आवर्स साठ घंटे लगेंगे आपको इन एटीन डेज राइट और इसमें आपका पेपर नंबर इलेवन जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आई होप यू लाइक दिस दिसन प्लान फॉर पेपर नंबर इलेवन और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स सी मे इंटर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब एनी अदर डाउट्स और क्वेरीज यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल The link of the channel is given in the description box below. Please go and check it out.